seal paint. We know both way. Doors will open on the right. Please mind the gap. क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब 5 महीने निकल जाएंगे मेट्रो से ट्रैवल किए बिना? सोचो ज़रा, 2019 में 2020 की न्यू ईयर पार्टी हमने रखी थी, बताओ ज़िंदगी ऐसी थम सी जाएगी और यादें नॉस्टैल्जिया की फीलिंग से भर जाएंगी, क्या पता था। आज ऐसे ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ मैं आपको 2019 के अपने एक्सप्लोरिंग दिल्ली हट की वीडियो दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं उस रंग बिरंगी दिल्ली हट की दुनिया में, लेट्स गो। दिल्ली हट की शुरुआत मार्च 1994 में हुई थी। ये INA पीतमपुरा और जनकपुरी में सिचुएटेड है और हम आए हुए हैं दिल्ली हट INA में। हज़ारों हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आर्टिस्ट आपको दिल्ली हट में मिलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा फूड एंड क्राफ्ट बाज़ार है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के साथ आपको लोकल फूड का भी टेस्ट मिलेगा, जो कि इंडिया के अलग अलग रीजन से, जैसे सिक्किम, मेघालय, जम्मू, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ सबसे आया होगा। यहाँ की एंट्री 20 से 50 रुपये की है, जो कि एज़ पर द ओकेजन चलता है। तो चलिए चलते हैं और थोड़ी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना पूरा का पूरा ये आलीशान दिल्ली हट घूमने के लिए। तो चलिए मैं आपको पहली शॉप पे लेके चलती हूँ जहाँ पे हम पेट पूजा करेंगे। सो लेट्स गो। एक्सप्लोरिंग दिल्ली हट की शुरुआत मोमो के साथ, और अभी हम जा रहे हैं बहुत सारे स्टॉल्स को क्रॉस कर करके एक स्पेसिफिक स्टॉल पे जिसका नाम है मेघालय टूरिज्म। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम सीट लेते हैं और आपको मेन्यू दिखाते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं चिकन स्टीम मोमो, जो कि 140 रुपीज़ का है, और किया है फ्रूट बियर जो कि 60 रुपीज़ का है, और एक और चीज ऑर्डर करी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और आ गई हमारी फ्रूट बियर। और ये रहे हमारे मोमो, और सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ ये चिकन मोमो, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अभी चटनी से लगाएंगे, चटनी थोड़ी डिफरेंट आपको दिख रही होगी, एंड खाएंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और जूसी है, और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर का जो मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड है, और इसकी जो कोटिंग है वो एकदम पतली लेयर की कोटिंग है, और ये जूसी भी बहुत है। मतलब सारे बेस्ट कॉम्बिनेशन इस मोमो के अंदर है, और इसकी चटनी इतनी ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एकदम अच्छी स्पाइस है जो कि आपको बहुत टेस्टी लगेगा। एंड फ्रूट बियर क्योंकि रिफ्रेशिंग बहुत अच्छा होता है। मैंने ट्राई करके देखा थोड़ा मटन मोमो, बट मुझे चिकन मोमो ज़्यादा मेरे लिए फेवरेबल था, मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा। जिनको मटन मोमो पसंद है वो मटन मोमो ट्राई करके देख सकते हैं। एंड चिकन मोमो मटन मोमो की दोनों की शेप भी डिफरेंट थी, जैसे आपने देखा। अच्छा, बट आई थिंक चिकन मोमो मोर। अब हम आए हुए हैं दरबार ए अवध पे। यहाँ पे मैं जा रही हूँ गलौटी कबाब खाने, जो कि 190 रुपीस के दो मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और गलौटी कबाब खाते हैं। गलौटी कबाब की शुरुआत लखनऊ से हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो नवाब थे उनके वीक दांत होने की वजह से वो नॉर्मल कबाब नहीं खा पाते थे, इसलिए इन्वेंशन करा गया था गलौटी कबाब का। और अब ये डिलीशियस गलौटी कबाब सबके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये माउथ में मेल्ट हो जाते हैं। दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
शाम होने लगी है और धीरे धीरे यहाँ पे लाइटिंग की जो जगमगाहट है वो दिखने लगी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर वैरायटी के लैंप्स हैं, यहाँ पे बैग्स दिखेंगे, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन सब चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा मन ललचेगा कि आप कुछ खरीदें। तो ध्यान से अपनी पॉकेट देख के आप देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो आपको बाहर आपको उस रेट पे नहीं मिलेगी और यहाँ पे पक्का मिल जाएगी। मैं इसमें नहीं बोलूँगी कि यहाँ का सामान सस्ता है, यहाँ पे कॉस्टली है सामान। बेसिकली मोस्टली फॉरनर्स के बेस पे भी इन्होंने यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इसलिए आपको कॉस्ट आपको खुद देखनी पड़ेगी। बार्गेनिंग का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी के बहुत सारे स्टॉल्स दिखे थे, मगर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि मैं ज़्यादा ना खरीदूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ की ट्राई कर रही थी खाने पीने को, और क्या पता कि क्या चीज़ अच्छी लग जाए। शाम होने लगी और थोड़ी भूख लगने लगी, तो सोचा कि चलो चलते हैं ताशी डेनिक फूड स्टॉल सिक्किम टूरिज्म पे, और वहाँ पे चल के हम मोमो खाते हैं, क्योंकि मोमो ट्राई करना ही था। प्राइस यहाँ पे दोनों सेम था, 140 रुपीज़ का चिकन मोमो और 60 रुपीज़ की फ्रूट बियर। और बहुत ही सुंदर और उमदा सा शॉट लेते हुए हम लेते हैं फ्रूट बियर की सिप और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको मोमो। और ये मोमो की चटनी थोड़ी देखने में डिफरेंट है, इससे पहले जो हमने मेघालय फूड स्टॉल की खाई थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, ये थोड़ी दिखने में ही दरदरी दरदरी टाइप की है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये खाने में कैसी थी। बेस्ट पार्ट है कि क्लियर सूप इसके साथ देते हैं, तो मैंने कभी इसको ट्राई करा नहीं है, मतलब एक दो बार ही पिया था, बट मोमो मोमो में ही ज़्यादा घूमती जाती हूँ। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है मोमो की, एंड नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। इसकी चटनी बहुत स्पाइसी है, पुराने वाले जो था उसकी चटनी बहुत स्मूथ थी, उसकी चटनी स्पाइसी है। तो जिसको स्पाइसी चटनी पसंद है वो यहाँ आ सकता है, और जिसको स्मूथ चटनी पसंद है वो वहाँ जा सकता है। एंड ये एक और बाइट। राजस्थानी फूड स्टॉल जैसे ही देखा याद आ गई प्याज की कचौड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ की प्याज की कचौड़ी कैसी है। ये रही प्याज की कचौड़ी, ये हमने ली दिल्ली हट में, रावत की खाई है, जयपुर की वो बहुत अच्छी होती है, यहाँ की ट्राई करते हैं। इतनी अच्छी नहीं है, रावत वाली बहुत अच्छी है। इट्स ओके, 50 रुपीज़ के हिसाब से सिंगल ट्राई मारने का मैंने तो आप खा सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ के मोमोज खाओ, ज़्यादा बेटर। ओके, तो जो प्रॉपर प्याज की कचौड़ी होती है उसके अंदर में एकदम मिंस्ड प्याज होती है, इसके अंदर आलू वगैरह भी दे रखा है, और उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो ऑब्वियसली मैं अंदर का प्रॉपर पार्ट नहीं बता पाऊँगी, बट स्पेशल वाली जो है आप जयपुर जाके खाएं या राजस्थान जाके खाएं, यहाँ से ना खाएं, ये इतनी अच्छी नहीं है। ढलती हुई शाम और रात की शुरुआत का समय हो गया है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट लेते हुए, और यहाँ से निकलते निकलते भी हम थोड़ी बहुत मार्केट देख रहे हैं। जगमग जगमग शाम हो गई है यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइटिंग है। तो आप प्रेफर करें कि आप 3 बजे 2 बजे करीब आए, थोड़ा इन्जॉय करें, दिन की लाइटिंग भी देखें और रात की लाइटिंग भी ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, थोड़ा नॉस्टैल्जिक और थोड़ा अच्छा सा लगा होगा तो मेरा ये मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। सो बाय बाय, हम आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।